बंदे ने कुछ कहना है, क्या कहना है? बिरयानी, पैसे निकाल, सारे पैसे निकाल। तूने साथ देना है, फिर मैं निकालूंगा, कोई मसला नहीं। भाई ये बंदे की रियलिटी ये है कि ये घर से 100 रुपए से ज़्यादा नहीं ले जाता। इसको पता है कि मैंने इसको इधर लूटना है या लोगों को लूटना है। इधर इधर भाई गरीब बंदा हो, आटे की रोटी खाता हो। आप तो तंदूर की रोटी खाते हो भाई, सोने का खाते नहीं, नहीं, आप या तो बर्गर खाते हो या तंदूर की रोटी खाते हो। मैं आई एम नॉट अ बर्गर। क्या लेने हैं? गरीब बंदे ने बिरयानी और गरीब देखो अब देखते हैं ये 120 बिरयानी देते नहीं। ऐसे चीज ले लो तुम्हारी पेट भरनी चाहिए। अब पेट भरने कंप्रोमाइज पेट के साथ नहीं करते भाई। 100-150 रुपए आपके जेब से निकलने चाहिए, मुझे लगता है आप करो नहीं एक पे दे लो काफी। वो कहते हैं लोग लो हमें अपनों ने लूटा और हमें तो दोस्तों ने लूटा, हमारी मर्जी हमारी चाहिए, हमारी शायरी हमारी मर्जी। हाय हाय। अच्छा भाई ये देखो खलीक ने बिरयानी ली है 250 की है, लेकिन इसने 270 पैसे दे दिए। 270 दिया है और ऊपर लिखा है बिरयानी ज्यादा ज्यादा। कैमरे के आगे करो। हाँ बिरयानी ज्यादा बुला अग्रवान दे यार। बस सम वागिस्ता बिरयानी पठान तो बिरयानी नहीं कर रहे। हाँ बाकी पठानों का कुछ नहीं है, गोश्त होना चाहिए वो भी बड़ा गोश्त। हाँ और ये देखो ये बर्गर मम्मी डैडी। भाई इस कैंटीन में पठानों का खाना नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते कि पठानों का खाना बनाना शुरू कर दे, गोश्त लाए, नमकीन बनाए और मिर्ची ना डाले, मसाले ना। जरा भाई ये बात नहीं करना चाहते हमसे, चुप रहा है भाई। नया मुतालबा है, ये कह रहा है कि पठानों का खाना इधर नहीं है, गोश्त नहीं है, नमकीन नहीं है और गोश्त वगैरह लाना चाहिए। हाँ क्या बोलते हैं? ये बात सही है, कह रहा है ये तो सारे बर्गर हैं, आप पठान बर्गर नहीं कहते, हम मसाले भी नहीं कहते, गोश्त नमकीन और क्या कढ़ाई। हाँ बीफ में मटन में हाँ बीफ ये हो जाएंगे ना अगले साल, अगले 3-4 साल बाद। हमारा मुतालबा पूरा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ये आ गया तुम्हारे बिरयानी।